हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंगो शेक बनाने जा रही थी और मिक्सी का मैं बटन बंद करना भूल गई, तो वो सब गड़बड़ हो गया, सब उछल के बाहर, दीवारों पे, माइक्रोवेव पे। यहाँ मैंने नीचे थोड़ा समेट दिया था, तो फिर मेरे मन ने कहा कि चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ ये क्या कारनामा हुआ है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, कई बार हो जाता है ना ऐसे। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फैल गया था और समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब फाइनली फिर भी सफाई तो करनी थी, अब सब साफ कर दिया है मैंने। और शाम के चाय नाश्ते के साथ मैंने कहा था पोहे, और साथ में मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ पोहे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सब मैंगो शेक मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया है। मैंगो शेक क्लीन कर दिया क्योंकि वो उड़ गया था सारा। तो जहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी पहले 2 चम्मच तेल डाल के मूंगफली के दाने भून लूंगी। तो मूंगफली के दाने जो हैं वो मैंने अलग से निकाली है भून के। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राई डाल रही हूँ। राई थोड़ी चटक जाएगी तो फिर मैं इसमें करी पत्ता ऐड कर दूँगी। और करी पत्ता ऐड करते ही मैं इसमें जो मैंने अनियन काट के रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें आलू भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मतलब एक आलू मैं इसमें ऐड करने चाह रही हूँ। आपकी मर्जी है, आपकी पसंद, आपका टेस्ट है कि अगर आप आलू ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कांदा पोहा ऐसे भी अच्छा ही लगता है। जैसे ही थोड़ा सा प्याज भून जाएगा तो मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू को थोड़ा सा भून के तो उसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे नमक मिर्च वगैरह डाल के। थोड़ा सा मैं इसमें आधा टमाटर भी डालूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालूँगी, तो उसको ढक देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो पोहे जो हैं वो मैंने पहले से ही धो के रखे हुए हैं। तो जी, जहाँ पे मैं इस स्टेज पे आके इसको ढक दूँगी ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से पक जाएं। आलू पकने के बाद मैं इसमें पोहे ऐड कर दूँगी। तो 2 मिनट बाद चेक करके देखूँगी कि आलू अच्छे से गल चुके हैं, तो इस स्टेज पे मैं इसमें पोहे ऐड कर दूँगी। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा सिरका खट्टे के लिए अगर आपका मन है तो। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी वॉच करा करें प्लीज़। वीडियो छोटी हो चाहे बड़ी, तो बनाने में बहुत मेहनत जाती है। आप देख सकते हो कि पोहे बिल्कुल खिले खिले हैं।
तो आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।